विद्युत परिपथ में एक विद्युत स्रोत होता है जिससे कि हम विद्युत विभवांतर लगाते हैं, और विद्युत विभवांतर लगाने पर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विभवांतर और धारा में एक संबंध होता है, यह संबंध ओम के नियम के अनुसार होता है। तो ओम का नियम है क्या? ओम का नियम है कि यदि किसी चालक की लंबाई, परिच्छेद क्षेत्रफल तथा ताप नियत रखा जाए तो उसके सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। तो इस नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ होता है। तो आइए आज हम लोग देखें कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है। तो अब आप यहां देखें कि हमारे सामने एक चित्र है, इसमें एक विद्युत स्रोत माने सेल है जिससे कि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये सेल का धन ध्रुव है और ये ऋण ध्रुव है। यहां से ऐसे ये विद्युत धारा का मार्ग है। अगर हम चाहें तो विद्युत धारा का मार्ग तीर से दिखा सकते हैं, ये। तो अब ये विद्युत धारा ऐसे बहती है और यहां से आने के बाद एक यंत्र मिलता है जिसको हम कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मान नापता है। विद्युत स्रोत हमारा यह है, ये बैटरी है, और बैटरी के धन ध्रुव से हमने ये एमीटर जोड़ रखा है। तो एमीटर का धन और फिर एमीटर का ऋण। तो विद्युत स्रोत के बाद एमीटर और फिर धारा नियंत्रक। इस धारा नियंत्रक की सहायता से हम विद्युत धारा का मान कम अधिक कर सकते हैं। ये धारा नियंत्रक है। इस धारा नियंत्रक में आप देख रहे हैं कि दो पेच है, एक ये है और एक ये। तो इन दोनों पेचों के बीच में यहां से यहां तक एक प्रतिरोधक तार लगा होता है, पूरा यहां से यहां तक एक प्रतिरोधक तार है। अब उसके बाद चलते जाइए तो मिलता है एक कुंजी। ये क्या है कि ये विद्युत परिपथ को बनाता है और तोड़ता है। ये जो गैप है ये भर जाता है। तो इस गैप में हमने इस कुंजी को ऐसे लगा दिया, तो ये कुंजी है। और कुंजी के बाद आप चलें तो एक वोल्ट मीटर मिलता है। वोल्ट मीटर का धन और ऋण बिल्कुल इसी क्रम में जुड़ना चाहिए। फिर ये वोल्ट मीटर और बीच में ये कुंजी भी है। और ये वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है, किसके सिरों का? चालक के सिरों का। चालक कहाँ है? चालक देखिए इस तरीके से यहां से चलिए, ये जो तार है प्रतिरोधक तार कहलाता है, यही चालक है। यहां पर ये जो तार है ये है चालक तार। चालक तार देखिए, इसके सिरों का विभवांतर ये वोल्ट मीटर नापेगा और इसमें प्रवाहित धारा एमीटर नापेगा, जिसको हम पहले बता चुके हैं। और यहां से चलने के बाद ऐसे चलते जाइए, वोल्ट मीटर के बाद इसका परिपथ खत्म होता है और विद्युत स्रोत का ऋण ध्रुव मिल गया। तो इस तरीके से धन ध्रुव से विद्युत धारा चल करके और ऐसे चलते हुए चालक से होते हुए और सेल के ऋण ध्रुव पर पहुंच जाती है। अब हम विद्युत विभवांतर वोल्ट मीटर से और विद्युत धारा एमीटर से नापते हैं। जब नापेंगे और धारा नियंत्रक से विद्युत धारा का मान परिवर्तित करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे विद्युत विभवांतर यहां बढ़ता है विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में, यानी पहले विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा, इन दोनों एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती। इसीलिए कहा गया कि विद्युत विभवांतर धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, V समानुपाती I, और V बराबर I इंटू R। R एक स्थिरांक है, इसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आइए इसी चीज को हम लोग जो विद्युत परिपथ है उसको प्रयोगात्मक रूप में देखें। ये बैटरी है और बैटरी के धन ध्रुव से
हमने ये एमीटर जोड़ रखा है कि हमने ऊपर के एक पेज से और नीचे के एक पेज से तार जोड़ रखा है। अब हम जब हम इसको घुमाते हैं मतलब खिसकाते हैं तो होता क्या है कि तार की लंबाई यहां से यहां तक बदलती है। और अब देखिए ज्यादा लंबाई का तार होता है जिससे कि प्रतिरोध बढ़ता है और इसको इधर लाने से प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो सुई से प्रतीत होता है कि धारा बढ़ रही है, इस समय धारा घटेगी और जैसे जैसे नजदीक लाएंगे धारा बढ़ेगी क्योंकि प्रतिरोध इस समय घटेगा। उल्टा होता है, प्रतिरोध कम धारा अधिक। ये एक कुंजी है। अब कुंजी में क्या है, एक छेद सा है और जब हम इस छेद में एक चालक लगा देते हैं, ये प्लग की कहलाता है, तो परिपथ पूरा हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये जो गैप है ये भर जाता है। तो इस गैप में हमने इस कुंजी को ऐसे लगा दिया और लगाने के बाद अब आप देखें कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये कुंजी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए लगाया जाता है। बंद करना हुआ तो कुंजी को बाहर निकाल लिया। ये बैटरी है और बैटरी के धन ध्रुव से हमने ये एमीटर जोड़ रखा है और एमीटर के बाद ये क्या है, धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक, और फिर ये वोल्ट मीटर और बीच में ये कुंजी भी है। और वोल्ट मीटर के बाद इसका परिपथ खत्म होता है और यहाँ पर ये जो तार है ये है चालक तार। चालक तार देखिए, अब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए हमने कुंजी लगाई। अब अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर और एमीटर में सुई जो शून्य थी, शून्य से आगे हटकर एक निश्चित मान पे आ गई। अब हम धारा को परिवर्तित करते हैं तो देखिए धारा परिवर्तित कर रहे हैं। धारा को इस तरीके से बढ़ाते घटाते हैं और जिससे विभवांतर बढ़ता घटता है। तो जैसे जैसे धारा बढ़ेगी विभवांतर भी बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा धारा बढ़ेगी। तो इससे विभवांतर धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। और अब देखिए ज्यादा लंबाई का तार होता है जिससे कि प्रतिरोध बढ़ता है और इसको इधर लाने से प्रतिरोध घटता है। तो प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ेगी और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो सुई से प्रतीत होता है कि धारा बढ़ रही है, इस समय धारा घटेगी और जैसे जैसे नजदीक लाएंगे धारा बढ़ेगी क्योंकि प्रतिरोध इस समय घटेगा। उल्टा होता है, तो ये एमीटर, ये वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग है जो पाठ दिखाई पड़ता है और एमीटर में जो पाठ दिखाई पड़ता है, तो धारा नियंत्रक से दोनों में पाठ आगे बढ़ता है और यही है अनुक्रमानुपाती अर्थात ओम का नियम।